शहर में हर तरफ मेरी क्रिसमस की गूंज सुनाई देने लगी। रोशनी से सराबोर शहर में प्रमुख चर्चों में ईसाई समाज के लोग पहुंचते दिखाई दिए। मसीही समाज के लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। चर्चों में आयोजित विशेष मिडनाइट सर्विस में फादर ने क्रिसमस का संदेश दिया। सारी दुनिया ने अमन चैन की कामना की। कोरोना महामारी के खात्मे को लेकर भी चर्चों में प्रार्थना की गई। कोविड नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई। प्रार्थना के बाद समाज के लोगों ने कैंप फायर की परंपरा में शिरकत की। क्रिसमस के उल्लास का यह सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि हर घर से लेकर गिरजाघर और गली मोहल्लों व मिशनरीज और सेंट मेरी कंपाउंड में लोग एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते नजर आए। क्रिसमस पर प्रार्थना के साथ ही यीशु के जन्म को पूरे जश्न के साथ मनाया गया। चर्चों में शाम से ही रौनक होने लगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फादर ग्रेगरी डिसूजा। जी, ये कितने पुराना चर्च है? ये चर्च 1911 से है। ठीक है, और आप कब से इसकी देखरेख कर रहे हैं? मैं 2020 में जुलाई एंड में इधर आए। अच्छा, तो इस चर्च की क्या खासियत है? ये चर्च सेंट एंथनी ऑफ पादुआ उनके नाम पर है। वैसे लोग ज़्यादातर सेंट मेरीज बोलते हैं, सेंट मेरी स्कूल है बिहाई, चर्च सेंट एंथनी। सेंट एंथनी इटली के पादुआ शहर में थे, काफ़ी साल वो वहाँ रहे और उनकी डेथ हो गई बाद में। उसको संत घोषित किया, क्योंकि मतलब ये संत का मतलब ये होता है कि प्रभु के लिए उन्होंने बहुत काम किया और प्रभु के लिए विटनेस किया, उनकी जो सुसमाचार है, तो इसके लिए उन्हें संत घोषित किया गया। और हमारे चर्च का संरक्षक संत पेट्रन सेंट एंथनी ऑफ पादुआ। दिसंबर को हम क्रिसमस का पर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु का जन्म बेतलहम में हुआ। आज फिलहाल जिसको हम जैसे इज़राइल देश है उसके उसी के जगह में बेतलहम में पैदा हुए। करीबन अब जैसे कि BCE बोलते हैं और CE 2000 वर्ष पहले उनका पैदाइश। वो इसलिए पैदा हुए क्योंकि पहले ही बाइबल में लिखा गया कि मनुष्य की मुक्ति के लिए, मानव की मुक्ति के लिए वो आएगा। क्योंकि हम क्रिश्चियन इस बात को बिलीव करते हैं कि जब मनुष्य को पैदा किया, मनुष्य ने पाप किया और पाप के जरिए से मृत्यु आई। इस मृत्यु को निकालने के लिए हमेशा के लिए मनुष्य जाति से वो इस संसार में है। तो हम यही बिलीव करते हैं कि उन्होंने अपने क्रूस की मृत्यु और वो फुल पुनर्जीवित हुए, जो ईस्टर हम गुड फ्राइडे को मात मनाते हैं मार्च अप्रैल में, उसके जरिए से उन्होंने हमें नया जीवन दिया। इसी बात पर हम बिलीव करते हैं। अभी ये तो पहली कड़ी उनके बर्थ की, मैंने जन्म लिया 2000 वर्ष पहले, उसी बात को चले बोलते।